दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोडक्शन वर्सेज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कि जो प्रोडक्शन है और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट होता है कि ये जो टर्म्स हैं दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। तो जो भी डाउट्स हैं हमारे, वो सब क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे। जैसे आपने मुझे आस्क टेक्नोलॉजी चैनल पर सपोर्ट किया है, मैं चाहता हूँ आप मेरे सेकंड चैनल पर मुझे सपोर्ट करें, जो कि है ईवी चालक। ईवी चालक पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल पे जाएं, वीडियोस को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जैसे आपने यहाँ सपोर्ट किया है वैसे ही ईवी चालक पे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से इन्हें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और प्रोडक्शन क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू फिनिश गुड बाय वेरियस प्रोसेसेस, मशीन, एनर्जी एंड मैन एक्सेट्रा। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में हम एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, ठीक है, एक गुड्स में। और अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी टाइप ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट बाय मैन। मतलब कि प्रोडक्शन में हम एनी टाइप ऑफ इनपुट की यहाँ बात कर रहे हैं, सिर्फ हम रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल की बात करी, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी आ सकता है और उसके अलावा और भी टाइप के इनपुट्स आ सकते हैं, उन्हें हम कन्वर्ट कर रहे हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मिनिमम मैन की। मतलब वहाँ पर सिर्फ आदमी होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग में हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, मैन भी चाहिए होगा और मशीन्स भी चाहिए होंगी एटलीस्ट। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल वर्ड का यूज़ हुआ था, तो वहाँ पे हमेशा इनपुट के रूप में हम रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे जो कि टेंजिबल होगा। टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह की चीज़ें होती हैं। टेंजिबल मतलब जो हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा टेंजिबल। और इनटेंजिबल मतलब कि जिसे हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं छू सकते, वैसे वो दिख सकती है, उसे महसूस कर सकते हैं, वो हो जाती है हमारी इनटेंजिबल थिंग्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट होगा वो रॉ मटेरियल होगा हमेशा, और जो कि टेंजिबल होगा। और प्रोडक्शन में जो इनपुट होगा वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। अब जैसा कि इनपुट मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल थी, तो आउटपुट भी वहाँ पर टेंजिबल ही होगा, वहाँ पर हमें कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट ही मिलेगा। और यहाँ पे प्रोडक्शन में जैसा कि इनपुट इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों तरह की हो सकती हैं, तो वहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो भी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप की मिल सकती है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जैसे कि आप जानते हैं, प्रोडक्ट वो हमारा एक गुड हो गया, कोई भी माल हो गया। और जो हमारे सर्विसेज हैं, सर्विसेज को हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, उन्हें एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जाते हैं, तो किसी भी सर्विस सेंटर की सर्विस को आप कैसे रेट करते हैं कि वो कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। वहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कुछ फिज़िकल थिंग तो वो आपको देते नहीं है, वो क्या करते हैं, आपको अच्छे से रिसीव करते हैं, ग्रीट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो उस तरीके से आप उन्हें रेट करते हैं कि इनकी सर्विस अच्छी है या ख़राब है, ठीक है, जिसे आपने महसूस किया है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में आपको जो आउटपुट है वो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में मिलती है। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के बाद आपके सभी डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं हमारे, जैसे कि फोर्जिंग प्रोसेस होगी, कास्टिंग प्रोसेस होगी, या फिर फैब्रिकेशन हो गया, या मशीनिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि हम फैब्रिकेशन में क्या करेंगे, कोई भी रॉ मटेरियल के रूप में कोई बार ले लेंगे, कोई रॉड ले लेंगे, ठीक है, कोई भी ट्यूब ले लेंगे, उसे हम मोड़ेंगे, काटेंगे, उसे जॉइंट करेंगे, वेल्ड करेंगे और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। वो हमारी हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो आप आम तौर पे इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, जो कि मशीनिंग, फैब्रिकेशन, असेंबलीज, इन सब की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे
आपको टेंजिबल गुड्स और प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में आपने सुना होगा कोल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। अब यहाँ पे कोल को प्रोडक्शन या पेट्रोलियम का प्रोडक्शन क्यों बोला गया है? जो हम कोयला पैदा कर रहे हैं, कोयले को हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयले के लिए हमने ऐसा तो नहीं है कि मार्केट से कोई रॉ मटेरियल लिया, लैब में उस कोयले को बनाया, फिर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी जिस भी खदानों से कोयला निकाला जा रहा है, कोई भी कोल माइंस हैं, वो अपने आप में ही रॉ मटेरियल का भंडार है, ठीक है। वहाँ से हम जस्ट उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू उसे निकाल रहे हैं, ठीक है। उसे हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, कोल को मैन्युफैक्चर नहीं किया है। इसी तरीके से पेट्रोल को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो हमारा निकलेगा, हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी मशीनरी की हेल्प से, मैन की हेल्प से, ठीक है। तो वहाँ पे हम प्रोडक्शन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। प्रकृति में ही विद्यमान है वो, अपने आप में, हमने उसे नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे यूज़ करने के लिए, ना कि हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी तरीके से फार्मिंग आ जाता है। फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, टेंजिबल रॉ मटेरियल तो ले रहे हैं, हमने बीज ले लिया, खाद ले लिया, ठीक है। उसमें फिर हम खेत को जोत रहे हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल को डाल रहे हैं, फिर वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चना मिल रहा है, और डिफरेंट टाइप के फूल फल वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अब आपने अगर बैंगन का बीज डाला है तो लौकी तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बैंगन ही मिलेगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें खाद डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। उसे बना नहीं सकते कि बैंगन को आपने लैब में जाके बना लिया किसी रॉ मटेरियल से, अगर बना भी लेंगे तो वो खाया नहीं जाएगा, ठीक है, वो अलग तरीके का हो सकता है। तो इसीलिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, वो भगवान ने बना रखी है पहले से। हम क्या कर रहे हैं, बस उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके रेट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसे मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने सुना होगा क्रॉप्स की प्रोडक्शन बोलते हैं, राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई, वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन बोली जाती है, ना कि उसे मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। कोल, पेट्रोलियम, फार्मिंग, ये तो हो गया गुड्स और प्रोडक्ट्स के रूप में। अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज में हमारे यहाँ पे आ जाते हैं स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स। अब होटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट थोड़ी दिया जाता है कि लीजिए ये प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ कीजिए। आप वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ का डेकोरम देखते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, वो कैसे हमें ग्रीट कर रहे हैं, कैसी उनकी हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। वो जो इन्वायरमेंट, जो डेकोरम उन्होंने बनाया हुआ है, उसको आप फील करते हैं, ठीक है। वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं। आप छुट्टियां बिताने जाते हैं कहीं पे, तो किस तरीके से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे आप यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से फिल्म्स की जो प्रोडक्शन होती है, कोई भी प्रोडक्शन हाउस है वो क्या करता है, फिल्म्स बनाता है, एड फिल्म्स बनाता है, OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ बनाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक इनटेंजिबल आइडिया है, ठीक है, कोई कहानी है, वो कहानी उन्होंने बनाई, उसे पर्दे पे प्रस्तुत किया, आपने उसे देखा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, एंटरटेन करने के लिए फिल्म्स बना रहे हैं, आपको नॉलेज देने के लिए फिल्म्स बना रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक तरीके से सर्विस है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को जो भी जानकारी थी वो मैंने जानकारी इकट्ठा करी, वेबसाइट से इकट्ठा करी, किताबों से पढ़ी, ठीक है, फिर उन सबको मैंने क्लब किया, प्रोसेस किया कि किस ढंग से मैं आपको उसे बता सकता हूँ, फिर उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और आप उसे देख रहे हैं। इंटेंजिबल थिंग है, एक तरीके से सर्विस है, नॉलेज दे रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्रोडक्शन में आ गया, वीडियो का प्रोडक्शन हो गया, फिल्म्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में आ जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम उसे देखें तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई, है ना। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है प्रोडक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन एक नैरो टर्म है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोडक्शन की ही शाखा है, प्रोडक्शन के ही अंडर आती है। मतलब कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग कैन बी अ प्रोडक्शन, बट एवरी प्रोडक्शन कैन नॉट बी अ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते।
तो इस तरीके से ये डिफरेंस था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और प्रोडक्शन क्या है, और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।